सारं नमो सिद्धारं नमो वैर्यारं नमो अध्यायारं नमो रोये सवसाहुरं शुद्धात्मान मनेकांतं साधमुत्तम मंगलं वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थं चंद्रश्रथ प्रकाशकं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जेतु शासनम मंगलमय मंगल करण वितराग विज्ञान नमः ताहि आते भये अरहंताय महान एष सुरासुरमणसिन्धुवन्दितं धोदधायकम् अमलम् वर्धमानं पित्तं धम्मस्य कर्तारम् आचार्य श्री कुंदकुंददेव विरचित प्रवचन सारजी परमागम शुद्धोपयोग की प्राप्ति के लिए उत्साहित हो उत्साहित तो क्या है आपके उदय की प्रतिकूलताओं से थोड़ा सा घबराता है तो केवल पुण्य के उदय की अनुकूलताओं को पाने के लिए उत्साहित रहता है। अभी किसी से कहो एक व्यापार बताते हैं टाइम ज्यादा नहीं लगेगा उसमें और आराम से इतनी कमा हाँ क्या बता रहे एक से कहोगे दो सुनने को तैयार हो धन की प्राप्ति के उपाय को सुनने के लिए उत्साहित है जबकि वह उपाय भी झूठा है। पुण्य के उदय बिना उसी व्यापार में धन का लाभ न हो व्यापार में लाभ भी पुण्य उदय प्रमाण होता है उसी व्यापार में। कई बार भाव बढ़े और उसको घाटा हो अपने को लगता है इतने भाव हो गए तो इसको घाटा कैसे कि वो पहले एग्रीमेंट कर चुका था तो घाटे में चला ये सब घाटा नवा बाहर तात्पर्य यह है शरीर के रोग का उपाय कोई बतावे तो उसको सुनने के लिए उत्साहित है लेकिन ये सब उपाय झूठे हैं। तो तोतमल जी कहते तू जो उपाय करता है वह झूठे हैं। धन की प्राप्ति का उपाय भी झूठा है और धन से सुखी होने की कल्पना भी झूठी है। भोगों की प्राप्ति का उपाय भी झूठा है और भोगों से सुख की कल्पना भी झूठी है। अभी तो बहुत लोगों को स्वाध्याय करने वालों को भी एक अंतर में ये बात नहीं जम रही कि धन की प्राप्ति भी पुण्य उदय से होती है। भोगों की प्राप्ति भी पुण्य उदय से होती है। अलग अलग प्रकृतियां हैं धन से और भोगों से कोई संबंध नहीं। धर्म तो धन से होता ही नहीं है लेकिन भोग सामग्री भी आपको तो धन से मिले धन से नहीं मिले ये चर्चाएं तो हम पहले बहुत कर चुके आपसे। गांव में पैसा रखा हो और आप सामग्री चाहो तो उस तरह से नहीं मिले। शहर में आप पैसा रखे हो आपको शुद्ध सामग्री कितनी कठिनाई नहीं मिले तो नहीं मिले। कोई संबंध नहीं है सामग्री का। पुण्य उदय हो तो बिना धन के मिलती है और पुण्य उदय न हो तो धन से भी नहीं मिलती। वो प्रकृतियां अलग हैं वो प्रकृति अलग है।
दान के प्रसंग में एक चर्चा की थी ना, जो देते हैं वह मिलता है, जैसे देते हैं वैसे मिलता है, जो देते सो मिलता है। अब ये अलग अलग क्यों प्रकृतियां हो गई, थोड़ा सा एक नमूना बताएं। कोई भूखा व्यक्ति है, आपने कहा 50 रुपए खा लेना, तो आपको उस प्रकार के परिणाम के फल में रुपया मिलेंगे, भोजन नहीं मिलेगा। और आपके पास ही जब भैया भोजन कर ले तो भोजन मिलेगा। ये प्रकृति अलग अलग हैं, अलग प्रकार से। आज बहुत लोग ऐसी बस देखो भाई, पैसा हम दे सकते हैं, पैसा खर्च कर देंगे, बाद बाकी हमारे हाथ की बात नहीं, हमारे हमने तो पैसे ही मिलेगा उस परिणाम के फल से। व्यवस्थाएं मिलना अलग बात, पैसा हो ठीक है, हम उसकी ये नहीं कह रहे, पैसा भी दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, वो एक अलग व्यवस्था है। लेकिन पैसा पैसा है, जैसे पानी का काम घी से नहीं चलना, पानी का काम पानी से ही चलेगा, ऐसे ज्ञान का काम ज्ञान से चलेगा, पैसा का काम ही पैसा से चलेगा, पैसा से सब काम नहीं चलेंगे। आदमी का काम पैसा क्या करे, आप मशीन ले आओगे उसका बटन दबाने के लिए ही पैसा चाहिए, आदमी चाहिए, और नहीं तो वो मशीन भी खराब पड़ी जाएगी, धूला खा के। चलो ये चर्चा यहाँ नहीं करनी है, इसलिए समस्त शोभाशुभ प्रवृत्ति का शोभ अशुभ उपयोग रूप वृत्ति को अपास कर शुद्धोपयोग की वृत्ति को आत्मसात करते हुए शुद्धोपयोग अधिकार प्रारंभ करते हैं। उसमें शुद्धोपयोग के फल की आत्मा के प्रोत्साहन के लिए प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा क्यों करते हैं, वो प्रयोजन, यह जीव शुद्धोपयोग की प्राप्ति के लिए उत्साहित हो। ये बात जम जाना चाहिए कि शुद्धोपयोग के बिना जीव सुखी नहीं होता। शुद्धोपयोग के बिना पाप के उदय की प्रतिकूलता में दुखी मानता है, पुण्य के उदय की अनुकूलताओं में भ्रम से अपने को थोड़ी देर के लिए सुख की कल्पना कर लेता, मान लेता है, लेकिन सुखी होता नहीं है। और कोई उपाय नहीं है जिस जिस प्रकार शुद्धोपयोग की प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। तो किस किन शब्दों में प्रशंसा की, तो शुद्धोपयोग का जो सुख है ऐसे अतिशय, लेकिन क्या करें, जब जब अक्षयों की चर्चा चलती है दिखता है कोई बाहर में, अरे ये तो पुद्गल के परिणमन है, इनमें क्या अच्छे है, कोई अच्छे हैं, वो केसर बरस रही थी, वो छत्र हिल रहा था, वो पसीना छूट रहा था, वो ऐसा हो गया था, ये तो व्यंतरों कृत क्रियाएं भी हो सकती हैं, इनमें कोई दम नहीं है, इनमें कोई दम नहीं। बहिरात्मा जो भी देखेगा बाहर में देखेगा, अक्सर भी उसे बाहर ही में दिखाई देते हैं। चल भाई, बाहर के अतिशयों में, बाहर के चमत्कारों में मूल होकर के धर्म धन को खोते हुए बहुत समय गया, बहुत बार ऐसा कर, शरीर का रोग दूर हो जाए, अतिशय लग जाए, अतिशय क्षेत्र बने हुए, सिद्ध क्षेत्रों से ज्यादा लोगों को अतिशय क्षेत्रों की दौड़ पड़ती,
अच्छे अच्छे लोगों का मन चलायमान हो जाता है जब कोई पाप से उदय की प्रस्फूर्ताएं होती हैं। चलो एक बार देखिए हर्ज क्या है, हो जाए तो हो जाए काम। वहां जाने पर भी अपनी कल्पना से पूजा उपासना करने पर भी थोड़ी बहुत परिणाम में यदि कोई विशुद्ध परिणाम हुआ, उस समय का कोई कर्म योग इस प्रकार का बन गया और तेरा कार्य बन जाए कल्पना का, तो ऐसा लगने लगता है कि हाँ है तो कुछ मिथ्यास ही पुष्ट होता है। हम निमित्त नैमित्तिक संबंधों का निषेध नहीं कर रहे, हम तो ये मान्यताओं का निषेध कर रहे हैं कि भाई तेरे जीवन में जो कुछ भी होता है वह तेरे परिणामों का फल है, परिणाम बदले बिना कुछ भी संभव नहीं। मूलाचार की या भगवती आराधना कोई ग्रंथ स्वाध्याय में ले रहे थे, माया धार्मिक अनुष्ठान भी आचरण की योग्य आचरण के होने पर भी सफल होते हैं, तो आचरण सफल है। यदि कोई अन्याय अनीति छल प्रपंच पाप नहीं छोड़ना चाहे और केवल धार्मिक अनुष्ठानों के बल से अपना दुख दूर करना चाहे तो ये असंभव बात है। असंभव है, उन धर्म अनुष्ठान धार्मिक अनुष्ठान जिन्हें हम कहते हैं पूजन विधान भक्ति आदि, उन विधानों के काल में तेरे परिणाम की विशुद्धता हो, तेरे पाप छूटे तो पाप छूटने पर दुख छूटता है, आरोपण किया जाता है उस अनुष्ठान के। लेकिन पाप के परिणाम नहीं छूटे और हम सोचे अनुष्ठान के बल से हम ठीक हो जाएं, संभव नहीं। एक उपाय है, दो उपाय नहीं है सुखी होने के। परिणाम में दुख है, परिणाम के कारण ही दुख है। अब यहां परिणाम का विशेषण लगाना, विपरीत परिणामों से पाप रूप परिणामों से दुख है। अब परिणाम नहीं बदले तो दुख सुख कैसे? अतिशय तो अंतर में देखना चाहिए, परिणाम में ही अतिशय देखो। ये तत्व ज्ञान का, तत्व की आराधना का ही अतिशय है। ऐसी भयंकर प्रतिकूलताओं में भी आकुलता ना आए, आकुलता उत्पन्न नहीं हो। अभी एक फुंकी हुआ कैसा लगता है, और सारे शरीर में कोढ़ होने पर भी आकुलता नहीं आए, आराधना में शिथिलता ना आए, यह है तत्व ज्ञान के अभ्यास का फल। इस जीव को क्या लगता है, रोग दूर हो गया ये अर्थ है। अरे रोग का दूर होना और न होना वह स्वकाल में और उदयानुसार है। तत्व ज्ञान का अतिशय, शुद्धोप योग का अतिशय, तो यह अतिशय है कि बाहर में शरीर में कोढ़ जैसी अवस्था और अंतर में समता रस की घटा घटी, ये है अतिशय। सीता जी की अग्नि परीक्षा का समय, एक बार को तो देखने वाले उस अग्नि कुंड को देखकर देखने वाले घबरा गए, क्या होगा। सीता जी को निशंकता, निशंकता,
किंचित मात्र भी शंका नहीं, ज्ञान नहीं, क्षोभ नहीं, सबके प्रति क्षमा भाव। पंच परमेश्वर का स्मरण किया, पति को प्रणाम किया और बोली वचन महान। कैसे वचन बोले? जो पर पुरुष निहार के मैं कछुकियो हो कुभा, भस्म अग्नि मोह कीजिए नातर जल हो जाओ। यही कोई ऑर्डर देता हो और वो सचमुच जल हो गई जैसे अग्नि सुनती हो। अग्नि नहीं सुन रही है तो कैसे हो गया? आप निमित्त निमित्तिक संबंधों को समझो। उस समय वो देव जा रहे, क्या हो गया यहाँ ऐसा? अरे पहले यहाँ रुको, इसको करो खत्म। पाप के उदय में सहाय के निमित्त नहीं बनते, पुण्य के उदय में दंड का निमित्त नहीं बनता। लेकिन अच्छा क्या है तत्व ज्ञान का कि पाप के उदय में भी सहाय का निमित्त न बने तो खेद खिन्नता न आए। अच्छे का अर्थ है दुख न हो। दुख न होने का अर्थ है परिणाम में विकार न आए, कसाय न जाए। बिना औषधि के रोग मिट जाए ये अच्छा दिखाई देता है? हैं? आपको एक बार कहा भी था यहां घटाना, बिना विषयों के सुखी हो जाए ये अच्छा नहीं है। बिना विषयों के सुख हो जाए, बिना गेयों के, बिना इंद्रियों के ज्ञान हो जाए ये अच्छा नहीं है। अच्छे में कैसे लोग गाते, बिन पग चले सुने बिन काना, कैसे ना? अरे भगवान का चमत्कार अलग है, बिन पग चले सुने बिन काना। लेकिन हम कहते बिना पैरों के ही सिद्धालय जाता है इस समय में। सब अच्छे दिखाई देता है कुछ आपको? अरे ये भी हम बाहर से ही समझा रहे हैं, सही पूछो तो अपने आनंद में ऐसे मग्न है, ऐसे मग्न है कि उस सिद्धालय की ओर देखते ही नहीं कब पहुंचे। वे अपने सिद्धालय में है परंतु भगवान को कभी विकल्प आता हो गया? करोड़ों वर्षों की आयु भी होती है अनंत अवस्था में। आज ही सर की पूरी आयु कितनी शरीर की उस मनुष्य पर स्वर है। दीक्षा लेने में कितने समय लग? नहीं, दीक्षा लेने कब ली? 83 लाख, 1 लाख पूर्व रहा, 1000 वर्ष कम। इतने अनंत अवस्था में रहे, कभी कोई विकल्प आया? इतने दिन हो गए, सिद्धालय कब पहुंचेंगे बोलो? चलो, सर्वज्ञ की अवस्था है, मुनि दशा में 1000 वर्ष। आप बैठ के बताओ, अभी 10 मिनट प्रतीक्षा करनी पड़े तो कैसा लगेगा? इतनी देर हो गई, इतनी देर हो गई, इतनी देर हो गई। 1000 वर्ष सदुपयोग की ही महिमा थी। ये विकल्प नहीं आया केवल ज्ञान कब होगा। सहज ज्ञान रूप अनुभवते हुए ऐसे तृप्त हैं, ऐसे तृप्त हैं कि केवल ज्ञान आएगा तब आएगा। केवल ज्ञान के लिए कोई उनको विकल्प नहीं है कि कब आए। इसी प्रवचन सार की टीका में अमृतचंद स्वामी ने कहा, सुत केवली की गाथा है, इस प्रकार केवली भगवान समस्त पर्यायों सहित समस्त द्रव्यों को युगपत जानते हैं, लेकिन जानते हैं नहीं योगी। जानते हुए भी अनाज निधन निष्कारण अपने चैतन्य स्वरूप को अनुभवते हुए तृप्त हैं। ऐसे ही हम कितने ही देशों सहित कितने ही द्रव्यों को जानते हुए भी अनाज निधन निष्कारण अपने चैतन्य स्वरूप को अनुभवते हुए तृप्त बरतते हैं, विशेष जानने की आकांक्षा के छोर से बातों।
जैसे कोई तत्वाभ्यासी जी, संतोषी जी, छोटा सा व्यापार, थोड़ी सी आमदनी, छोटा सा घर में मगन है। सवेरे से अपने उठ करके भगवान पंच परमेश्वर का स्वरूप का चिंतन विचारता है, ये भव भव के अभाव के लिए है। भगवंतों का दर्शन, भगवंतों की साक्षी में अपने का चिंतन, बार बार अपने स्वरूप की भावना, भोजन करते समय भय मुनीश्वरों का स्मरण, कोई मुनीश्वर आवे उससे कहे देखो ये करोड़पति है, अरे हो ये कारण है अपने, माने वो संतोष के आगे सुनो, अरे यहाँ काम क्या करते हो तुम, क्या कमाते हो वहाँ, चलो हमारे साथ एक महीने में 1,00,000 रुपया कमाएंगे हमको, भैया ठीक है अपने पढ़ो धर्म ध्यान कर रहे हैं हमें। जैसे लौकिक में संतोषी जीव को अधिक पाने की तृष्णा रहती है नहीं रहती, ऐसे स्वरूप में संतुष्ट जीव हमें रिद्धियां कब प्रकट हो, सिद्धियां कब प्रकट हो, हैं केवल ज्ञान आदि कब प्रकट हो, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। अच्छे से समझ में आता, बिना औषधि के रोग ठीक हो जाए ये अच्छा लगता है, है? और बिना विषयों के सुख हो जाए ये अच्छा नहीं। रोग के काल में रोग दूर हुए बिना ही पीड़ा मिट जाए, ये विज्ञान का अच्छा समझ में आता है। बिना इंद्रियों के ज्ञान, बिना पर सन्मुख देखे पर का ध्यान, और कोई कौतूहल नहीं, कोई कौतूहल नहीं, कोई कोलाहल नहीं, कौतूहल समझते हो जिज्ञासा, और कोलाहल माने नाना प्रकार के विचार, कोई कौतूहल नहीं, कोई कोलाहल नहीं, ये अच्छे समझ में नहीं आता। भगवान का दर्शन करने आए, परम शांत मुद्रा को देखा, उस परम शांत मुद्रा कैसी है, शांत मुद्रा अंतर में सुधूप योग परिणाम होने पर, अंतर में परम शांतता होने पर जो स्वाभाविक मुद्रा हुई है उस परम शांत मुद्रा है। आप ऐसे भगवान बन के बैठो थोड़ी देर, लेकिन आप थोड़ी देर में थक जाओगे, आंख खुल जाएगी आपकी, गर्दन हल जाएगी, उंगली हल जाएगी, ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये मुद्रा सुदुपयोग होने पर सहज बरसती है। जिन मुद्रा कहते हैं जितेंद्रियता होने पर ऐसी ही मुद्रा होती है, और ऐसी मुद्रा सहज होती है। ऐसी मुद्रा के सामने आते अपनी अनुभूति स्वयं जग जाए, अच्छा नहीं। भगवंतों का गुण चिंतन करने लगे, और तुम गुण चिंतक निज पर विवेक प्रगट है, ये अच्छा नहीं दिखाई देता तुम्हें। जिसे देखते स्वयं दिखता सबसे सुंदर आत्मस्वरूप, ये है अच्छा। जिस स्वरूप के सामने माने जिस स्वरूप का अनुभवन होने पर सारा जगत असार भाषित होने लगता है, भिन्न भाषित होता है, असार भाषित होता है, ये अच्छा नहीं था। उन मुनिराजों को देख रहा था, मुनिराज को देख रहा था, मुनिराजों नहीं मुनिराज को देख रहा था, है कामा शक्ति विषया शक्ति राजकुमार, और उसे देखते देखते सारे भाव परिवर्तित हो गए, और बस तो अंदर में ये भावों का जो परिवर्तन है ये हमें अच्छे के रूप में दिखना चाहिए जी। अच्छे का मतलब ये है सुधोप योगियों का सुख सात से होता है,
कोई कल्पना कर सकता है? भूख से मिलती या पीड़ा बिना भोजन के शांत हो सकती है? कोई कल्पना कर सकता है? लेकिन बिना भोजन के ही शांत होती है ये कल्पना नहीं अर्थात है। ये आपको अशुद्धोपियों का अच्छा समझ में नहीं आता? ऋषभ देव मुनीश्वर और भोजन नहीं मिला, विधि नहीं मिली, लौट के आए, ऐसे चले आ रहे जैसे कोई भोजन करके आ रहा, ऐसे बैठ गए जैसे। क्षोभ नहीं आ रहा, अब उनको कितनी जल्दी आता है, अब नहीं करेंगे, बेकार है काम करना। मुन्नाज को ये विकल्प नहीं आया कि ये लोग समझते हैं नहीं, कोई हाथी ला था, कोई घोड़ा ला था, कोई बस ला था, कोई आभूषण ला था, क्या कर दिया, कैसे लोग हैं, कोई विकल्प नहीं, गए और आए चले, गए आए चले, गए आए चले, वो बराबर चलता रहा ये क्रम, वो एक दिन विधि बन गई। आज हमारे मनुष्य लोग कहते क्या करें, मन तो लगता नहीं, क्यों बैठे, कैसे बैठे, अरे जाते रहे आते रहे, एक दिन विधि बनी, बैठे रहोगे तो किसी दिन योग नहीं करोगे, और बैठोगे ही नहीं तो क्या होगा, सुनते रहोगे तो समझने का अवसर भी, पढ़ोगे सुनोगे समझ में भी आ जाए, वो समझ में तो कुछ आता नहीं है, बंदी कहां से सामने कुछ लिखा हो तो हम सुन लें, यानी कहां से बोलते समझ में तो आना, अरे सुनते रहोगे तो समझ में आएगा, और समझ में आता नहीं ऐसा कहकर के बाहर चले जाओगे तो क्या होगा। समझ में क्यों नहीं आता, कारण समझ में आ रहा है कुछ, हम इधर देखते रहते हैं अपनी ओर नहीं देखते। यदि आपको ये भी लगता हो इधर देखते देखते कि समझ में आ रहा है तो वो भी एक भ्रांति ही समझना, जब सुनते हैं खूब समझ में आता है, क्या समझ, और उठते हैं तो सब भूल जाते हैं, वाह ये कोई बात रही, ये कोई बात रही, ऐसे कैसे भूल जाओ, मंडप में विवाह हो तो समय समझ में आई मेरी पत्नी है और ये हमारा पति है, और बाद में सब भूल जाते, बोलो भाई बोलो, भूल जाओ, ये मेरी माँ है तो बालक की समझ में आती है और बाद में भूल जाता है, ये कैसी समझ, ये कैसी समझ है, आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कुंद कुंद स्वामी का विशेषण बताया, अतिशय से ही प्रारंभ किया, कैसी है कुंद कुंद आचार्य, जिन्हें सात सह विवेक ज्योति प्रकट हो गई है ना, सात सह विवेक ज्योति, सात सह विवेक ज्योति क्या मतलब, पक्ष वाले जीव को दूसरे पक्ष की बात सुनते समय शंका उत्पन्न होने लगती है, समझ में नहीं आती, व्यवहार के पक्ष वाले को अगर शुद्धनय का कथन सुने वाह जी कहते हैं आत्मा भगवान कैसे हो सकता है, भगवान है तो रोटी क्यों खाते हैं, पानी क्यों पीते हैं, सोते क्यों हैं, यहां क्यों बैठे हैं, ये कपड़े क्यों पहने हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा। शुद्धनय का भी पक्ष अगर हो तो ये भैया तू तो अपने राग से दुखी है, तेरी परिणति में तेरे दुख का कारण है, तो पर पदार्थ नहीं है, तेरी परिणति में राग, उसकी समझ में ही नहीं आती राग, समझ में ही नहीं आता वो राग, उसको तो ये राग तो पुद्गल का हुआ है, पुद्गल में होता है, हमारे में तो होता ही नहीं, राग जिसमें नहीं होता उसमें दुख कैसे होगा ये तो बता, जिसमें राग नहीं होता तो उसमें दुख कैसे हो जाएगा, कारण बिना कार्य कैसे,
जिसमें राग नहीं होता उसको देखे बिना ही केवल पक्ष से समझ नहीं आता। कर्ता कर्म संबंध दो द्रव्यों में नहीं होता, बिल्कुल ठीक बात है। तो उनको निमित्त नैमित्तिक संबंध जो होते हैं बनते हैं ना, उनमें भी ऐसा लगने लगता है कि तुम्हें ख्यात हो जाएगा। निमित्त नैमित्तिक संबंधों में भी उन्हें ऐसा लगने लगता है मैं ख्यात हो गया। निमित्त नैमित्तिक संबंध न मानना मिथ्या है। यदि निमित्त नैमित्तिक संबंध न माने जाए तो भगवान की दिव्य ध्वनि कैसे कहा जाए, भगवान की प्रतिमा कैसे कहा जाए, बोलो। और वही ही अपने पक्ष अपने राग के उस पोषण के लिए शरीर के रोग में औषधि का सेवन भी तो निमित्त ही नैमित्तिक रूप से बनता है, बनता है ना, वहां उसे मिथ्या तो नहीं लगता। बुद्ध हम इलाज कर रहे और किसी से कहें भैया तुम इस प्रकार से आकुल व्याकुल हो रहे हो जरा सी बीमारी में, अरे भगवंतों की भक्ति में चित्त लगा, बोले साहब वाह इतिहास नहीं हो यार, भगवान क्या करेंगे, भगवान तो मित्र आ गए। जब भगवंतों की भक्ति में चित्त लगाने के लिए कहें तो उसे ऐसा लगता है मिथ्या तो नहीं हो जाएगा, भक्ति के हम रोग क्यों था रोग दूर करने के लिए भगवान की भक्ति करें। अरे हम ये कब कह रहे रोग दूर करने के लिए भगवान की भक्ति करें, रोग के काल में आकुलता जो परिणाम हो रहा है उस परिणाम से बचने के लिए भगवान की भक्ति करें। मिथ्या तो भीतर तेरे बैठ रहा है, हम क्या करें, इसलिए तुझे लगता है मैं क्या दू हाँ। और अगर भक्ति से करते हुए रोग मिट जाए तो उसको ऐसे लगने लगता है भक्ति से मिट गया। अरे बात तो आप सच्ची कह रहे थे, क्या कह रहे थे हम सच, ये भगवान की भक्ति करो, भक्ति में लग गए फिर हम बुखार उतारेगा मरो। अरे हमने बुखार उतारने के लिए भक्ति की बात करी भी नहीं थी, और भक्ति से बुखार उतरने का क्या संबंध बनेगा भाई, हमने तो ये कहा था कि मर गए बहुत दर्द है, इस प्रकार से दुश्चिंतन कर रहा था, संकलेशा कर रहा था, तो हमने कहा था भगवान की भक्ति में चित्त लगा। उस समय विशुद्ध परिणाम से यदि कोई कर्म उदय में बदल रहा हो आ गया और रोग भी मिट गया वो कोई अलग बात नहीं। इसका अर्थ तो ये भी मत समझ लेना कि हम चाहे जो चाहे जैसे करते रहेंगे बस नमो रिंकारम पढ़ेंगे तो हमारी सब संकट मिट जाएंगे। कर्ता कर्म संबंध में त्याग भाई, और नियामक रूप से निमित्त नियमित संबंध भी मान लेना कि जब हम भक्ति करेंगे तो हमारी ये बाहर की उपद्रव मिट ही जाएंगे, ये मिथ्याद नियामक में क्यों, उसके साथ में अंतरंग का उदय संबंध भी है, उस शरीर का भवितव्य आदि भी है, ऐसे तो कोई मरण को ही प्राप्त नहीं हुआ। तो इस जी इन जीवों को कैसा लगता है अब बताओ, दो जीव एक साथ कोई घटना घट गई, ऐसी घटना कि बस बचना मुश्किल है, एक जीव हाय हाय चिल्लाने लगा, रोने लगा, पुकारने लगा, एक जीव में फायदा हाय हाय करने से क्या फायदा, शांति से बैठ गया अमोल बेभिन्न आत्मा भिन्न दे मरी थी मैं नहीं मरता, मैं तो चैतन्य स्वरूप, मैं तो अनादि हूं, कौन लगा, और दोनों की देह छूट गई। अब तीसरा देख रहा था, बोलो बताओ जी क्या फायदा हुआ धर्म ज्ञान करने, आखिर मर तो गई। मैंने ऐसा लगता है क्या फायदा, अब हम उससे पूछें कि ये संकलित करने से हाया करने से क्या फायदा हुआ, सोच बह जाएगा, फायदा उसे इसमें दिखाई देता है तो सिर आया था तो सिर भग गया, डाकू लूटने आ गए होते तो डाकू भग गए होते, देखो अब अच्छे है धर्म का, डाकू आए लूटने और उस सेठ को पूजा करते हुए देखा, मैंने कहा भैया ये धन है ले जाओ तुम, हमें नहीं जरूरत,
हमें भगवान की पूजा करने दो। लोग तो भग गए, लेकिन उन्होंने कहा हम क्यों भगवान की पूजा छोड़ के जाए, हमें पूजा करने दो। तो डाकू देखता रह गया, उसने सोचा अरे दिल्ली करिए लूटने के लिए ये धर्मात्मा से ही रह गया, नहीं इसको नहीं लूटना, अपन को बच गया उसका तो धन बच गया, वो उसको अच्छा दिखता रहे। देखो पूजा का प्रभाव देखा तुमने, लेकिन हम ये कह रहे हैं पूजा का करते हुए भी हो सकता था वो धन ले आ, इस बात के लिए भी आप मानस बना करके रख लीजिए। पंच परमेश्वर का स्मरण करते हुए भी देह छूटेगी छूटेगी छूटेगी, इस बात का मानस बनाइए। ये मत समझ लेना कि हम जब ब्रह्मकर्म करेंगे तो हम बच जाएंगे मरेंगे नहीं। भाई पंच परमेश्वर भगवान ये कह रहे हैं कि देखो संकलित परिणाम करने पर भी आत्मा नहीं मरता और विशुद्ध परिणाम करने पर भी देह नहीं बचेगी। देह भिन्न है, देह तो छूटेगी। अगर आपने ये तत्व ज्ञान नहीं किया और इस आशा से आप करते हैं तो वास्तव में आपकी मिथ्या है। लेकिन आप ये अगर पूछते हैं बताओ वो पंच परमेश्वर का स्मरण करता रहा और दोनों मर गए, लाभ क्या हुआ उसको, तो भी आपका मिथ्या है, आपने उसके अंतरंग भाव को नहीं समझा। उसके देह छूटने के काल में भी किंचित मात्र भी आकुलता नहीं आई, आकुलता का न होना, आकुलता के प्रसंगों में भी आकुलता का न होना ये अतिशय है। हम तो 10 दिन के लिए निकल आते जाते, अब सामने रहो तो कुछ न कुछ विकल्प होते हैं, अपने निकल आए कोई विकल्प नहीं, सच्ची बता झूठ बोल रही सच्ची बोल रही कोई विकल्प नहीं। इस जीव को ऐसा लगता है ज्ञान होने पर विकल्प होता है, सामने होने पर विकल्प होता है, न देखेंगे न कोई विकल्प होगा अपने आराम। कैसी बातें करते हो, इसका अतिशय देखो, सारा लोग का लोग विकल्प झलकता है फिर भी एक विकल्प उत्पन्न नहीं होता। समझ में आ रहा अच्छे सुदोपयोगों का सुख अतिशय सुख है, अच्छे सुख है, मतलब ये है कि वो आगे कहेंगे आत्मोत्पन्न विषयाती विशेषण देंगे, तो अतिशय सुख का मतलब ये है उस सुख की जगत के जीव तो कल्पना नहीं कर सकते। अनादि काल से क्या जीव ने सुख और दुख की कल्पना करी, क्या कल्पना करी, इच्छा के अनुकूल भोग संयोग सामग्री मिले तो सुखी और अगर नहीं मिले तो दुखी। कहीं प्यास लगी है और बस कि भगवान अब क्या करें, प्यास लग रही पानी पानी पानी, और उसी समय पानी कोई लेकर के आया पानी पियोगे तो उसको अच्छा दिखाई देने लगता है। हम कह रहे अनेकों ऐसी घटनाएं भरी पड़ी है अच्छों, और इन मोही जीवों को यही अच्छा दिखाई देते हैं लेकिन प्यास नहीं सताती, ये अच्छा है। जीठ तपे परिणाम न तपे, परिणाम न तपे ये अच्छे है। जैसे हम ये कहें कि छत का क्या प्रभाव है, अच्छे है कि भाई धूप है तो भी यहां धूप का कोई यही तो कहोगे आप। ऐसे बाहर में नाना प्रकार के प्रसंग बन रहे हैं, शरीर की नाना अवस्थाएं बन रही हैं, परंतु इन्होंने तो दुरुपयोग रूप मन धर्म को अंगीकार किया है, उनको किंचित मात्र भी विकल्प उत्पन्न जानते तो हैं, परंतु उनमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना उत्पन्न नहीं होती। अब मुंदाज के स्वरूप में लिखा है तो वहां क्या पुरुषार्थ सूचक एक शब्द लिखिए कि वहां जानते तो हैं इस अनिष्ट की कल्पना नहीं करते, तो नहीं करते कि नहीं होती,
तो लिखा तो है टूटे मर जी नहीं करते कि नहीं करते का मतलब ये है उन्होंने अपना उपयोग अंतर से किया है। ये पुरुषार्थ सूचक है, कर्तव्य सूचक मत लेना चाहिए। जिन जिस अवस्थाओं में जगत के जीवों को क्षोभ होता है, सम्यक दृष्टि के साहस की चर्चा आई आई हम समय साथ में सम्यक दृष्टि साहस मिला कैसी, जिसकी ध्वनि सुनने मात्र से घबरा जाए, ऐसा भयंकर वज्रपात होने पर भी सम्यक दृष्टि भी किंचित मात्र भी अपने सिद्धांत से चलायमान नहीं होता। सम्यक दृष्टि एवं साहस मिलम कर्तुम क्षमन्ति, सम्यक दृष्टि एवं साहस मिलम, सम्यक दृष्टि एवं साहस मिलम, एक दोनों ओर लगा देना। सम्यक दृष्टि को ही ऐसा साहस होता है और सम्यक दृष्टि को ऐसा ही साहस होता है, ऐसा ही बल होता है। मृत्यु के प्रसंग में बिल्कुल भयभीत नहीं, रोग के प्रसंग में बिल्कुल भयभीत नहीं, अनैच्छिक संयोगों में बिल्कुल इसकी आकुलता कुछ नहीं। अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ज्ञायत ज्ञायत रहेगा। ये क्या हो गया आपसे, कुछ नहीं हो गया, ज्ञायत ज्ञायत है, मैं तो ज्ञायत हूं। पहले मिले थे तो आप बिल्कुल ठीक है, ये क्या हो गया साहब, बोल डॉक्टर को दिखाने गए अचानक अचानक, अरे अचानक की बात क्या है, भीतर में ये भी तो लगे कि ये कुछ नहीं हुआ मेरे में, नए स्किन के ज्ञायक तो क्या है, कही ये क्या है, पुद्गल का परिणाम है पुद्गल का परिणाम। लेकिन ध्यान रखना निरपेक्ष जब रहे तब रह पाएंगे जब अपना चैतन्य का परिणाम दिखेगा, चैतन्य का परिणाम दिखे बिना है ज्ञायक भाव के सन्मुख हुए बिना आप अपने को मैं तो ज्ञायक हूं, मैं तो करता हूं, ये तो सब भिन्न है न्यारा है, दिखेगा तो कह तो ले गए लेकिन सुस्ती तो आ ही आएगी। इस धूत योग का सुख था अतिशय अतिशय सुख, अनादिकाल से ऐसे सुख का आश्वास। बहुत लोग लौकिक क्षेत्रों में शब्द देखो एक नई चीज बता दिखाया आपको, एक नई बात सुना भैया, पंच परावर्तन में ना कोई नई वस्तु है ना कोई नई बात, पंच परावर्तन करते हुए देखो ये नई डिजाइन भी किया बहुत, इतनी बहुत अच्छी है नई डिजाइन, पंच परावर्तन बन जाने कितनी कितनी बात है, क्या दम लगती, कोई भी भोग अपूर्व नहीं है, कोई भी संयोग अपूर्व नहीं है, अपूर्व है तो एक आत्मिक सुख जी। अपूर्व है तो आत्मिक सुख अपूर्व है, अतिशय का यह अर्थ किया ठीक है। अनादिकाल से भोगों को भोगते भोगते भी, और मनुष्य पर्याय में तो क्या भोगेंगे, मनुष्य पर्याय के भोगों को तो कैसे विरक्त कराया, दृष्टांत भोगों के ही पर्याय दृष्टांत से, भोगों की तुलना से मनुष्य पर्याय में भोगों से कैसे विरक्त किया, सुन भाई सुन भाई, देव गति में गया तू, व्यक्रिय शरीर था, नाना प्रकार के रूप बनाने की सामर्थ्य थी, कोई रोग थे नहीं, कोई काम था नहीं, काम नहीं था कोई, जब दुकान खोलना जाकर के झाड़ू लगाना है, रोटी बनाना है, ऐसा बड़े धोना है, कोई काम नहीं था, काम के मारे बहुत घबराते आजकल लोग, बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत पाप है, बहुत पाप है कि नहीं दिखेगा, और हजारों दीवंगना है, नंदन वन रत्नों के विमान है, हजार नेत्र बना करके देखो तो हजार नेत्र बना ली, जो क्रिया है ना, और सागरों की आई
जब वहां भी तू तृप्त नहीं हुआ तो ये मनुष्य पर्याय है कितनी, उस सागरों की आयु के सामने सौ दो से बस अवकार सौ दो से कहां होते आओ, कितनी की आयु और कैसा शरीर, दो दिन रोटी नहीं मिलेगा व्याल कुमला। अरे रोटी मिलने की बात क्या है, वैसे ही कह दिया जाए कि आज रोटी नहीं मिलेगी शाम को, मन नहीं लगेगा अभी सोचने का, विचार करो मैंने कैसी ये शरीर की दशा। तो आचार्य भगवान ने दृष्टांत दिया, क्षीर सागर के जल से प्यास नहीं बुझे, वह व्यक्ति ओस चाट करके प्यास बुझाना चाहे तो कैसे, माने वो मनुष्य पर देव गति में जो इंद्रिय सुख की सामग्री और इंद्रिय सुख है वो तो है सागर के समान, और यहाँ की जो अवस्था है वो उसकी भूल के समान। तब तो स्टोक देश ग्रंथ में लिखा ना, स्वर्गवास देवान को सुख नहीं चाहिए, देवों को देवों जैसा ही सुख होता है, उस देवों जैसी सामग्री यहाँ का रही तो हमने आपको दर्शन दिया था ना, इंद्र हजार नेत्र बना करके शिवशंकर बाल शिवशंकर का रूप निहारता है, और तभी तो ग्रंथकार कहते रचनाकार कहते तृप्त नहीं होता। अब तुम का देख देख कर तृप्त होना चाहते, मैं तो शिवशंकर जैसा रूप है कहीं, समोसन जैसा कोई रूप है कहीं है कहीं, और न तुम हजार नेत्र से देख पाओगे। आता चलो आत्मानुशासन में एक चर्चा है, जगत के मोही प्राणियों का आशा रूपी गड्ढा इतना गहरा है, इतना गहरा है कि तीन लोक की सामग्री उसमें अणु के बराबर है, तीन लोक की सामग्री से भी वो गड्ढा भरने वाला नहीं, माने आशा पूरी होने वाली नहीं, ठीक है ना। अब उसको सामग्री है सीमित, सामग्री तो सीमित है, और चाहने वाले अनंत जी किसके हिस्से में कितनी आए, जैसे अभी हम कहें सुनो हमारे पास केवल दस रोटियां हैं और एक एक आदमी की भूख कितनी हो, अब वो किसके हिस्से में कितनी आए। जब हमने कल्पना की चित्रकारों की तरह एक बड़ा सा एक हॉल समझ, उसमें उन भूखे लोगों को बैठा दिया दस बीस पचास सौ बैठे ना, इनको इतनी भूख है तीन दिन के भूखे हैं कि दस दस रोटी एक को मिल जाए तो भी भूख ना मिटे। अब ऊपर से इस छेद में से एक रोटी ऐसे लटका दिया, समझ मारे ना, अब उस रोटी को पाने के लिए झपट्टा मारेंगे, एक मार मार मारेंगे, अब कौन कौन सी भूख मिल जाएगी। विवेक यही है कि शांतता से एक कोने में बैठा है भैया, कभी फायदा नहीं, सामग्री सीमित क्या असीमित, कितनी किसके हिस्से में आएगी। इसलिए ये चाह को छोड़कर के राग को छोड़कर अभी सुखी हो सकता है, राग की पूर्ति करके कभी सुखी, ये सिद्धांत होगा अभी। तो देववास देवान को स्वर्ग सुख उन्हीं के योग, वो सामग्री उनकी है, तो भी उस धूप योग का आनंद कैसा है। तो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमेंद्र के ये है अच्छे सुखकार, सुधूप योगी जीवों का सुख अच्छे सुख है। चमत्कार, बड़े बड़े वैद्य, बड़ी बड़ी दवाई, बड़े बड़े काम, और बस ऐसे देखा और वो रोग मिट गया, अच्छा लगता है। ऐसे ही कितने भोगों से तृप्त नहीं हुआ था, स्वर्ग के भोगों से भी तृप्त नहीं हुआ, और ये जी अपने आप तृप्त हो गया बिना भोगों के, ये है सुदूप योग का, सुदूप योग का सुख अतिशय सुख है। इसमें कोई दुख की कोई कल्पना ही नहीं है,
प्रोत्साहित करते हैं ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए। अथवा तो हम ये कहें सुधोपयोगी जीवों का ही सुख सुख के हैं, अन्य जीवों की तो केवल सुख की कल्पना ही है, अन्य जीवों की तो केवल सुख की ही कल्पना मात्र है, सुखी नहीं है। वे देव के सुख देव जैसे हैं। एक श्लोक में ये लिखा ना, इसके बाद के श्लोक में क्या लिखा, अरे वह सुख नहीं है वासना मात्र लेकर, वह सुख जो है ना केवल कल्पना मात्र ही है। समस्त इंद्रिय सुख जब अपना चित्त ठिकाने हो, आपकी भाषा में कहें तो वो सुख जैसा लगता है, और नहीं तो वह सुख उद्वेलित करता है, उद्वेलित करता है। उसको लौकिक भाषा वाला जी कभी उसे कहें तो वो मालूम किस कैसी भाषा बोलता है। आपको जलपान कर, तुम्हें जलपान की पड़ी है, इस भाषा का प्रयोग करता है, तुम्हें जलपान की पड़ी है भैया भोजन कर, तुम्हें भोजन की पड़ी, हमारी गाड़ी मिल गया, हमारा फलाना काम, माने वो दिमाग जो वहां लगा ना तो उसको ऐसा लगता है कि उद्वेलित कर दिया। साहित्य की भाषा में उसमें स्तूप देश की टीका में ही दृष्टांत है, साहित्य की भाषा में यदि कहा जाए जिसे अपने इष्ट का व्यूह है, जिसे अपने इष्ट का व्यूह है उसे चंद्रमा की चांदनी भी झुलसाने वाली लगती है, चंद्रमा की चांदनी भी जिसे अपने इष्ट का वियोग है उसे शीतलता प्रदान करने में समर्थ है। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं आचार्य सुनो, हम चंद्रमा की चांदनी को हैं, कपूर आदि को हैं, बर्फ आदि को, चंद्रकांत मणि आदि को कैसे शीतल कहें। हम तो ये मानते हैं जो हमारे झुलसते हुए चित्त को, काय से झुलसते हुए विषयों की चार रूपी दाह से झुलसते हुए चित्त को शीतलता प्रदान करते हैं, ऐसे जिन वचन ही शीतल हैं। ये व्यवहार ये अगम है। अब उसका अध्यात्म निकालना है, वो जो इस गाथा में बोलो जिन वचन ही शीतल है, इसका अर्थ क्या, जिन वचन में कहा हुआ उपाधेय शुद्धात्मा ही, शुद्धात्मा की अनुभूति ही शीतल है, यह अच्छा हो। वेद विज्ञान जगो दिन के घट शीतल से भयो जिमचन। अगर वेद विज्ञान नहीं है तो चंदन का लेप सूखता है, शीतलता प्रदान नहीं कर रहा। अब एक विज्ञान हुआ तो भले जहा ज्वर है आकुलता उत्पन्न नहीं कर रहा। पर से अप्रभावित है, वह निरपेक्ष है, जो जिससे उत्पन्न होता है वह जब तक रहे तब तक रहेगा। आत्मा अनादि अनंत है कि नहीं, तो यहां अनंत कहना, अनंत अनादि तो चला गया है, अनंत तो आत्मा से उत्पन्न सुख ही अनंत सुख हो सकता है। क्षणिक संयोगों की को देखने से यदि आपको अच्छा भी लगे तो कितने दिन अच्छा लगेगा, कितनी देर अच्छा लगेगा। आपको कहा था ना गुरु, देखो भैया बहुत अच्छा लगता है लेकिन कितनी देर अच्छा, सुनते हुए ऐसा लगता है बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है लेकिन कितनी देर हम सुना पाएंगे, कितनी देर आप सुन पाओगे।
बहुत अच्छा लगता है, कितनी देर अच्छा लगेगा। नित्यानंद की आधारशिला अनेक संयोगों के ऊपर नहीं रखी जाती, क्षणिक परिणतियों को लक्ष्य ले लेकर के क्या अच्छा लगता। सुदूत योगियों का सुख अतिशय सुख है। अच्छे का दूसरा अर्थ जैसे उनसे अमी ने अपूर्व दिखा दिया कि अनाज काल के उस सुख को जीव ने स्वयं नहीं आस्वादा। दूसरी बात देखो, एक और इंद्रादिकों का सुख, चक्रवर्तियों का सुख, और भी जितने भी इंद्रिय सुखों की तुम आप जिन्हें जिन्हें सुखी मानते हो उन सबको सबको इकट्ठा कर दिए, और उसको भी पूछ पास स्वामी क्या कहेंगे। इत चिंता मन है महत, इत खल टू कसा, खली का टुकड़। एक और ये सारा सुख, और अभी वर्तमान का नहीं, तीन काल के इस प्रकार के जीवों का इंद्रिय सुख इकट्ठा किया जाए तो भी सुधूप योग के एक समय के सुख की तुलना में नहीं ठहरे। कांटा नहीं थी उसका दृष्टांत देखो, चक्रवर्ती आत्मिक सुख को प्राप्त करने के लिए अपने चक्रवर्ती के वैभव और भोगों को छोड़ देता है खुशी खुशी। खुशी खुशी कैसे छोड़ोगे आप, या उससे उत्कृष्ट दिखेगा तभी तो छोड़ पाओगे। हम आपसे ये कहें आप यहाँ आ जाओ तो खुशी खुशी आ जाओगे, हम आपसे कहें वहां पर आपको कष्ट होगा, मजबूरी में बैठना पड़े अलग बात है, लेकिन स्वाधीनता से तो नहीं जाओगे ना। तो चक्रवर्ती कोई छुड़वा दे बात अलग है, लेकिन चक्रवर्ती इंद्रादि के वैभव को उस आनंद के लिए छोड़ता है तो विचार ना, उत्कृष्ट होगा तब तो वो छोड़ेगा। उन विषयों से चाह नहीं है, और ये सुधोग योग से चाह उत्पन्न नहीं होती, क्या मन नहीं होती। ऐसा ये अतिशय सुख है, इस सुधोग योग के अतिशय सुख को पहचान कर हे भाई तू भी सुखी होने के लिए जो उपाय में लगा है वे उपाय झूठे हैं, इन उपायों से तो अनंत काल में सुख नहीं होगा। अगर हम चतुष्टय की भाषा बोलें तो इन उपायों से तो कोई सुखी नहीं होगा, भोगों से कोई सुखी नहीं हुआ, कहीं सुखी नहीं हुआ, कभी सुखी नहीं हुआ, और किंचित माती तैन जातम ज्ञान बिना सुख या मैं सुख ना लगा रहा। संसार में जो दुख है वह वास्तविक है, समुद्र समान, और सुख है वह बूंद समान। अरे बूंद समान सुख कहा वह भी कल्पना ही है, बूंद समान भी सुख नहीं है। बूंद बूंद मिला तो बहुत हो जाएगा, लेकिन बूंद समान भी सुख नहीं है, वो भी कल्पना है। कल्पना मात्र रम्यम, और इन सुदूप योगों का सुख आत्मा वास्तव में रम्य है। इंद्रिय सुख की जो सामग्री दिखती है वह कल्पना मात्र रम्यम, कल्पना मात्र रम्य है, रम्य तो है। अरे नहीं नहीं, रम्य की कल्पना ही है, कल्पना मात्र रम्य का मतलब रम्य की कल्पना ही है, तो ये सुख की कल्पना ही है। सुख नहीं, सिद्ध करो, सिद्ध करो कि यह सुख होता है तो एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय में क्यों प्रवचन। इस प्रवचन सार जी में इंद्रिय सुख और दुख समान है, पुण्य और पाप समान, शुभ और अशुभ समान है, ये विशेषता है। और क्या लिखा, ऐसा जो नहीं मानता वह अभ्य है। मुख्यता का कथन किया, ऐसा जो नहीं मानता वह अभ्य है, अभव्य बस ऐसी।
दूर भव्य को भी अभव्य सम्मानित करें। तो उस सुख को दुख से, इंद्रिय सुख को दुख सिद्ध करने की तुलना के लिए ये हेतु दिए हैं। यदि आप इसको सुखी कहें तो विचार करो, दूध के स्थान पर बैठ करके भी दूषित रक्त को पीती हुई जोंक को भी सुखी कहो। इस प्रकार दुग्ध के स्थान पर बैठ करके भी दूषित रक्त को पीती हुई जोंक फूलती हुई अंत में मर जाती है, ऐसे ही यह भी दूध के स्थान पर, जहां तू है वहीं आत्मा है कि नहीं, सुख के स्थान पर बैठा हुआ भी तू इन पर भावों को ही रक्त करता हुआ पीता हुआ, माने उनको ग्रहण करता हुआ, विषयों को ही ग्रहण करता हुआ फूलता जाता है, फूलता जाता माने सुखी मानता जाता है। मेरा मकान बन गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरा पैसा हो गया, मेरी स्त्री आ गई, मेरी बाल बच्ची हो गई, मेरी बहू आ गई, फलाना हो गया, बस फूलता जाता फूलता जाता अंत में मर जाता। दूषित रक्त को पीती हुई मतलब इन दूषित विषयों को ग्रहण करती हुई दूषित भावों से फूटता चला जाता, फूटता चला जाता। बोलो, आपकी कल्पना इच्छा के अनुसार कार्य होते जाए आपको कैसा लगने लगता है? उन्हीं में फूटता है और अंत में मरण को प्राप्त हो जाता है। उस समय बीच में अगर कोई कहे चेताए श्री गुरु, हे सावधान, थोड़ी रुको, सुनने को तैयार नहीं है, थोड़ा रुको, एक बूंद और आने दो, एक काम और हो जाने दो, हमारा एक काम हो भी जाएगा तो भी निष्काम तत्व की दृष्टि के बिना कामनाएं नहीं मिटेंगी, नए नए काम खड़े होते रहेंगे। काम तो अधूरे ही छोड़ करके तुझे अपना काम करना। शुद्ध योगियों का सुख ही वास्तव में सुख है, उस सुख ही, वह सुख ही बहुत सुंदर शब्द लिखा है, पढ़कर के नहीं आए होंगे, कहां फुर्सत है व्यवस्थाओं में। बोलो क्या लिखा है, अंतिम अंतिम बोला अगर आए हो तो, बहुत सुंदर शब्द है, प्रार्थनीय है, प्रार्थनी का अर्थ क्या होता है, उत्कृष्ट अर्थ माने चाहने, उत्कृष्ट बने वही चाहने, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और वह सुधोप योग शुद्ध आत्मा से चाहने से ही नहीं होता, चाहने से, शुद्ध आत्मा को समझने से ही वह सुधोप योग होता है। इसलिए ऐसे सुंदर अवसर में अपने को आत्मा ही समझे, अकेला आत्मा ही समझे, पूरा आत्मा ही समझे, पूरी तरह आत्मा ही समझे, दूसरी कल्पनाओं को मिथ्या समझ करके अभी छोड़ दे में एक जगदानी मो मा जन्मदीनम, ये जिनोक गीत है। सहजानंद महामंगलकारी महाउपकारी वचन हम सब ने श्रवण किए और इन्हीं का ही निरंतर अनुसरण हो, ऐसा आपने अंतिम बिंदु सुना। ज्ञान से सु
जय लोकारो सोमारी मैं चले।